उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में जहां दिवाली का पर्व पूरी तरह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, वहीं नगर निगम द्वारा इस दिवाली पर वेंडर्स कमेटी के सदस्यों को उपहार देने की योजना बनाई जा रही है। पिछले दिनों मुरादाबाद के टाउनहॉल पर फल लगाए जाते थे, जिसको नगर निगम प्रशासन ने हटा दिया गया, जिसके बाद से लगातार वेंडर्स की मांग थी कि उनको कहीं और स्थान दिया जाए। इसी को लेकर पूरी तरह नगर निगम सक्रिय है। इस मामले में नगर निगम द्वारा नए सिरे से खोके बनाए गए हैं और मुरादाबाद के बंगला गांव स्थित खोके दिए जाने की बात सामने आ रही है। इस मामले में वेंडर्स कमेटी के सदस्य व्यापारी नेता दीपक अग्रवाल ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि उनकी लगातार यही मांग थी कि फल विक्रेताओं को भी कहीं ना कहीं एक स्थान दिया जाए, जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि उनको कहीं खोके रखे जाएं। इसी के बाद पर मुरादाबाद में नगर निगम द्वारा वेंडर्स के फल वालों लोगों को खोके दिए जा रहे हैं और जिससे फल वालों को रोजगार मिल सके, दीपक अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया। नगर निगम द्वारा ये टोंडहाल पर से खोके हटाए गए थे, बड़ी तादाद में लोग परेशान थे, उसके लिए आपने काफ़ी आगे सहयोग किया। अब फिलहाल क्या स्थिति है, क्या होना है? इस बार नगर आयुक्त संजय चौहान जी और उनकी टीम उन 74 खोके वालों को दीपावली पर तोहफा दे रही है। जो तोहफा बहुत ही खूबसूरत है, उसके फ़ोटो तो आपको मिल ही गए हैं और वो फ़ोटो आप इसमें लगाएं और जनता को दिखाएं कि कितना प्यारा हमारा जो टाउन हॉल से 74 खोके उखड़े हैं, वो बंगला गांव में जगह उनको अलर्ट हो गई है और वहाँ पर ऐसा बाजार लगेगा जो अपने आप में एक दृश्य वाला सीन होगा। वहाँ ना गंदगी होगी, ना कूड़ा होगा, स्वच्छता के हिसाब से वहाँ पर बाजार लगेगा। और दूसरी बात, वो क्षेत्र अटल पथ योजना में भी आ गया है, इस कारण उसकी देख रेख सरकारी सेवा बहुत अच्छी होगी। मैं समस्त खोके वालों को और साथ ही नगर निगम की टीम को और नगर आयुक्त जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने गरीब लोगों की चिंता करते हुए ये कदम उठाया और शहरों की तर्ज पर टाउन वेंडर कमेटी के अंतर्गत इसको निर्माण को करवा रहे हैं। धन्यवाद।